जापान से पापुआ न्यू गिनी रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे पीएम मोदी। जापान की यात्रा सार्थक और उपयोगी रही, ये पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया है। वैश्विक नेताओं से कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। जापान सरकार के स्वागत के लिए आभार जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब वहां से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो चुके हैं। जापान में G7 के दौरे के दौरान कई अहम तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें सबसे अहम रही जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात, जहां दोनों नेता गले मिलते दिखे। इसके बाद जेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात, इसकी भी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में खूब हो रही है। और इस सफल दौरे के बाद पीएम अब पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको बताते हैं आखिर जमाना कैसे हुआ मोदी का दीवाना, ये दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के दौरे पर गए हैं। यहां बाइडेन ने कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, अगले महीने हम आपके साथ डिनर करेंगे। तो पूरे देश से हर कोई आना चाहता है। जो बाइडेन ने साफ कहा कि मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं और आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मुझे काफी दिक्कतें हो रही है, मेरी टीम से पूछ लीजिए, अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है। फिल्म एक्टर्स के भी फोन आ रहे हैं, रिश्तेदारों के भी फोन आ रहे हैं। ये बातें जो बाइडेन ने कही हैं। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा होने वाला है और उसी का जिक्र करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि आपकी लोकप्रियता अमेरिका में बहुत ज्यादा है, पूरे देश से हर कोई आपके कार्यक्रम में आना चाहता है, रिश्तेदारों और फिल्म एक्टर्स के भी फोन आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज देखिए कहां तक यहां पर देखने को मिल रहा है। G7 समिट में वो शामिल होने के लिए पहुंचे और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बातें कही हैं। उनकी लोकप्रियता को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका के लोग भी उनके फैन हैं। तो ग्लोबल मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। हालांकि भारत G7 में शामिल नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रण पर पहुंचे थे और यहां उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। देखिए पीएम के बता दें आपको, ब्रिटेन के पीएम यानी ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्राजील की राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से भी उन्होंने मुलाकात की। तो कई देशों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री मिले हैं। जापान के पीएम फुमियो किशिदा से भी वो मुलाकात करते हुए नजर आए। यहां तक कि आइलैंड्स बता दें आपको, कुक आइलैंड्स के पीएम मार्क ब्राउन से भी उन्होंने मुलाकात की। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, उनसे भी पीएम की मुलाकात, और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात रही। और इस मुलाकात के दौरान पीएम ने जो संदेश दिया वो काफी अहम है। कहा कि युद्ध की जो विभीषिका झेल रहा है यूक्रेन, भारत उससे वाकिफ है और युद्ध खत्म कराने के लिए जो भी मुमकिन होगा हम जरूर करेंगे। एक वक्त था जब भारत विश्व की महाशक्तियों के भरोसे रहता था। आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। दुनिया इस वक्त जिस नेता के लिए क्रेजी है वो है पीएम मोदी। पूरी दुनिया पीएम मोदी की शख्सियत और व्यक्तित्व की कायल है। दुनिया के लीडर उनके बड़े और कड़े फैसले लेने की हिम्मत के मुरीद हैं। पिछले 9 सालों में जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत की छवि को दुनिया के सामने पेश किया, उसने दुनिया भर के नेताओं को उनका फैन बना दिया। आज विश्व के नेता उनके शानदार प्रतिनिधित्व को सैल्यूट करते हैं। घरेलू राजनीति में पीएम मोदी जितने फेमस हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। आलम यह है कि विश्व के तमाम नेता उन्हें एक ग्लोबल लीडर मानते हैं। विश्व की महाशक्तियों में शुमार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। हिरोशिमा G7 समिट के लिए पीएम मोदी जापान में है। क्वाड मीटिंग के दौरान जब उनका जो बाइडेन से सामना हुआ तो बाइडेन ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, आप भीड़ कैसे मैनेज करते हैं, अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, हजारों लोग आपसे मिलना चाहते हैं, फिल्म एक्टर के फोन आ रहे हैं, रिश्तेदारों के भी फोन आ रहे हैं, आपके इवेंट में आने के लिए लोग बेकरार हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का क्रेज इतना है कि उनके इवेंट में आने के लिए लोग बेकरार हैं। सिडनी में मोदी के स्वागत के लिए इतना क्रेज है कि लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है। पीएम मोदी 23 मई को सिडनी जा रहे हैं, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं।
जब हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो उन्होंने भी अपने दिल की बात पीएम मोदी को बता दी। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि सिडनी में 20,000 क्षमता का हॉल छोटा पड़ा। पीएम मोदी से मिलने के लिए हजारों लोगों की रिक्वेस्ट आई है, सभी के अनुरोध पूरे करने में हम असक्षम हैं। सिडनी में मोदी के लिए लोगों में क्रेज है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत की तटस्थ विदेश नीति ने दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रूस से भी बात कर रहा है और अमेरिका से भी बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन दोनों देशों के नेताओं के संपर्क में हैं, जहां पीएम मोदी युद्ध पर पुतिन को विश्व शांति का संदेश देते हैं। इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात करते हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी की यूक्रेन में जमकर तारीफ होती है। पीएम मोदी के इसी अंदाज ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी उनका कायल बना दिया। पुतिन को आईना दिखाने पर मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पीएम मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी किस कदर दुनिया में लोकप्रिय नेता हो चुके हैं, उसकी बानगी दिखती है अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में, जिसकी अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में पीएम मोदी को 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग मिली है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेंट हैं, उन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस सूची में तीसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर हैं, उन्हें भी 62% अप्रूवल रेटिंग पॉइंट मिली है। अब सवाल है कि पीएम मोदी की वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें ग्लोबल लीडर बनाती हैं? कुछ वक्त पीछे जाएं तो कोरोना काल में जिस तरह भारत ने महामारी के खिलाफ दुनिया को लीड किया, पीएम मोदी ने न सिर्फ देश को महाखतरे से बचाया बल्कि दुनिया के कोने कोने में मदद भी पहुंचाई, जिसने उनके कद को विश्व में और बड़ा बना दिया। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत 98 देशों को 200 मिलियन कोविड वैक्सीन की डोज सप्लाई की गई, जिसकी तारीफ कई देशों के नेताओं ने की। वहीं रूस पर पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद भारत ने जिस तरह से रूस से कच्चा तेल खरीदा, उसने बता दिया कि पीएम मोदी किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं है। हालांकि इसकी यूरोपीय देशों ने खूब आलोचना की, जिसका उन्हें दो टूक जवाब दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने विश्व को एकजुट किया और आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति में ऐसा घिरा है कि उसे विश्व पटल पर भारत के खिलाफ अपने साथ खड़ा होने वाला कोई एक सहयोगी देश नहीं मिल रहा। यहां समय की सीमा को देखते हुए सिर्फ 3 प्रमुख चुनौतियों का जिक्र करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, दूसरी बड़ी चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद जितना खतरनाक है उससे भी खतरनाक है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच बनाया गया आर्टिफिशियल भेद। वहीं एलएसी पर चीन के रवैये पर पीएम मोदी आक्रामक अंदाज में जवाब दे रहे हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख और डोकलाम में चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है।
जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने विश्व को पंचामृत का फॉर्मूला दिया। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में विश्व को लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया। भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा, ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की राह में तेजी से कदम रख रहा है। मोदी राज में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के पास G20 SCO की अध्यक्षता है। UN सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग का रूस और अमेरिका ने समर्थन किया। भारत UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। भारत ने रूस से S-400 लिया, लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया। पीएम मोदी की लोकप्रियता विश्व में इस कदर है कि उनके जहां जहां कार्यक्रम होते हैं उन्हें देखने भीड़ लग जाती है। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाने लगते हैं, चाहे अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो या फिर जापान। जहां पीएम पहुंचते हैं उनकी लोकप्रियता का अंदाजा हो जाता है। पीएम मोदी का अंदाज, उनका कुशल नेतृत्व, उनकी छवि उन्हें विश्व में लोकप्रिय बना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के शासन में आत्मविश्वास से लबरेज एक न्यू इंडिया का उदय हुआ है, जो हर चुनौती से टकराने का साहस और सामर्थ्य रखता है। भारत अब दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, बल्कि अपने संकल्प से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।